आज हम अल्लाह ताला के प्यारे नाम के साथ शुरू करते हैं। आज हम आपको ईद की स्पेशल डिश बताएंगे, तो आए मैं आपको चीज़ों का बताती हूँ। ये हमने दो प्याज लिए हैं, ये कुछ हमने मिर्चें ली हैं, चार बड़ी वाली, और ये धनिया, ये हम डेकोरेशन के लिए और एंड पे इसको डालेंगे। ये हमने बड़ी जो सब्ज मिर्च होती है वो ली है चार, और ये दो टमाटर लिए हमने। इन टमाटरों को हमने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेना है, अगर हो सके तो ग्राइंड कर ले, नहीं तो बारीक बारीक काट लें इसको, और प्याजों को भी बारीक बारीक काट लेना है। और ये हमने अदरक और लहसुन को पीस के, तो इसके ऐसे क्यूब्स बना के तो फ्रीज कर लेते हैं, तो वो फिर जब खाना बनाना हो तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने इसकी 1, 2, 3, 4, 5 क्यूब्स ली हैं, और इसमें अब हम ये थोड़ा सा पानी लिया है, ये हम डालेंगे इसमें, और इसी में हम सब मसाले डाल देंगे। ये एक चम्मच रेड मिर्च है, ये एक चम्मच नमक है, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आपको जैसे भी मसाले पसंद है आप डाल सकते हैं। ये हाफ टी स्पून दिया मैंने क्रश मिर्च जो होती है वो, ये हाफ से थोड़ा सा ज्यादा मैंने हल्दी ली है, ये सूखा धनिया लिया मैंने 1.5 टीस्पून, ये 1.5 टीस्पून, और ये मैंने जीरा लिया तकरीबन 1 टीस्पून। आज हमने जो ईद स्पेशल की डिश बना रहे हैं वो हम आज ये बना रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताएं। ये हमने ऑयल लिया है, इसको हम इसमें डालेंगे कढ़ाई में, ये हमने ऐसे इस प्याजों को काट लिया, तो अब हम ये इसमें डालेंगे प्याज। होल गरम मसाला वो लिया, ये दालचीनी है, इलायची है बड़ी, और कुछ मिर्चें हैं, और लौंग है। ये देखें, ये हल्के हल्के इस तरह ब्राउन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा और करके फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। ये देखें, ये प्याज इस तरह हो गए हैं, ये देखें, अब हम इसमें ये डालेंगे। इनको पहले मैंने अच्छी तरह साफ करके धो लिया, ये देखें इनको हमने प्याजों में डाला है, अब इनको हम भून लेंगे अच्छी तरह थोड़ा, और फिर बाद में इसमें हम मसाले डालेंगे। ये इसमें हल्की सी स्मेल होती है, तो ये हमने गरम मसाला पीस के रखा होगा, ये हम इसमें एक छोटा चम्मच डाल देंगे, 1 टीस्पून जो है,
ताकि इसमें खुशबू आ जाए और इसकी अपनी स्मेल चली जाए। ये मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट में मसाले डाले थे, उसको हमने ऐसे मिक्स कर लेना, ये आप देख रहे होंगे। ये हम टमाटरों को इसी के अंदर ऐसे बारीक बारीक काट लेंगे। आप चॉपिंग बोर्ड पे भी काट सकते हैं, लेकिन बस वो मैं इसी तरह जल्दी जल्दी काम करती हूँ तो मैं काट लेती हूँ। ये देखें, ये हमने सारे काट लिए हैं टमाटर और इसको हमने ऐसे मिक्स कर लिया। टमाटर पेस्ट लिया है, 1.5 कप है ये हम इसमें डाल देंगे। ये जो हमने वो अदरक लहसुन वाला पेस्ट बनाया हुआ है ना, उसी में हम ये सब चीज़ें डाल रहे हैं। ये देखें, ये सब चीज़ें ऐसे डाल के मिक्स कर देनी है। वो पेस्ट भी मैंने इसी में डाल दी है। ये बड़ी वाली सब्ज मिर्चें मैंने आपको जो दिखाई थी, ये मैंने ऐसे काटनी है बारीक बारीक, तो ये इस वक्त हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही हम ये मसाला जो मैंने आपको, ये इसमें ही सारा मिक्स कर दिया है हमने ना, तो वो भी इसमें मैं आप डाल दूंगी इस टाइम। ये देखें, आप देख रहे हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया और ये देखें अपने साइज से भी छोटी हो गई है। और प्याज ने और इसने पानी छोड़ा है, तो अब हम इसमें ये मसाला ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह हमने भूनते जाना है। जितना हम भूनेंगे उतना ही ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। ये मैंने 2 पत्ते पुदीने के लिए हैं, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको आराम से बड़ी एहतियात के साथ आपने मिक्स करना। ये इसको हम एक दफा ऐसे मिक्स कर लेंगे कुछ देर के बाद, और फिर हम इसको ऊपर ढक्कन रख के तो इसको पका लेंगे। ये देखें, अब इसकी ये शक्ल हो गई है। मसाला बिल्कुल भुन चुका है और इसको हम थोड़ा सा और भुनेंगे। और देखें, ऑयल ऊपर आ गया, तो हमने इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट तक रखा है और ये अब बिल्कुल गल गए हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, अब थोड़ी देर मैं भूनूंगी इसको 5 मिनट के लिए ना। ये देखें, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आपने इस तरह रखना है ताकि रोटी के साथ भी खाया जा सके, और अगर आपने बिल्कुल ड्राई करना है तो इसको थोड़ी देर और आप ऐसे तेज आंच पे ड्राई कर सकते हैं पानी को ना। ये देखें मसाला बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और ये देखें, ये अब हम थोड़ा हल्का सा इसको भूनेंगे और ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह गल भी गए हैं। ये देखें, आराम से ये टूट रहा है। ये देखें ये देख सकते हैं आप। ये देखें, अब थोड़ी देर मैं भूनूंगी इसको 5 मिनट के लिए ना। ये देखें, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आपने इस तरह रखना है ताकि रोटी के साथ भी खाया जा सके, और अगर आपने बिल्कुल ड्राई करना है तो इसको थोड़ी देर और आप ऐसे तेज आंच पे ड्राई कर सकते हैं पानी को ना। ये मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया और ये हम इसके ऊपर आप डेकोरेशन करेंगे।
और ये गरम मसाला थोड़ा सा हम ऊपर डाल देंगे।